उत्तराखंड में लगातार पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े करने लगा है। वहीं आज कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दास सोनी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आए दिन हम देख रहे हैं कि प्रदेश में किस तरीके से गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है, और एक दल विशेष जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, कभी गंगा माँ के नाम पर, कभी प्रभु राम के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर उगाई करता था, जो लगातार उगाई इनके नाम पर करता था, आज वह स्वस्थ व्यवस्था में चला गया है। आज गौ माता की दुर्दशा के सुधारने के लिए या उनकी बीमारी के लिए सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नाक है, आए दिन हम देख रहे हैं किस तरह से गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है, और एक दल विशेष जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां कभी गंगा माँ के नाम पर, कभी प्रभु श्री राम के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर उगाही करता था, जो लगातार वोटों की उगाही इनके नाम पर करता था, आज वो सुप्तावस्था में चला गया लंपी बीमारी के बाद। आज गौ माता की दुर्दशा को संवारने के लिए या उनके इलाज के लिए या इस लंपी वायरस के निराकरण के लिए सत्ता पक्ष कर क्या रहा है, ये जनता को पता ही नहीं है।